हेलो नमस्कार जी, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से मनीषा बात कर रही हूँ। सुरजीत सिंह जी से बात हो रही है। हाँ जी जी, आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा में लगी हुई है। 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका रहेगी। इस दिशा में आपसे अनुरोध है कि अपने आसपास के 10 परिवार की जिम्मेदारी ले और चुनाव वाले दिन कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाए। धन्यवाद। बात तो सुन लो, अपनी अपनी कह रहे जी, सुन लूंगी जी, बताइए। हाँ, मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं, नीचे खट्टर रही है, कोई वर्कर की सुनाई हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए राजा इन्हें जी। ठीक है जी, मैं आपकी बात यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। हाँ, मेरी शिकायत आप मुझे बता दीजिए। शिकायत यही है, पूछते नहीं रे कि संजय भाटिया तो ऐसा बनया जाइयो मोदी तभी अपने आप ऊपर समझे था जी। जी ना तो कोई सुनाई हो, ये मैं तो 18 साल की एज थी मेरी तब तक पार्टी से जुड़े आया हूँ। गणेश लाल जी प्रदेश अध्यक्ष होया करें थे अपने जी, अब वो गवर्नर हैं जी। कोई 5 साल हो जाएंगे नई एमपी बने ना, एक दिन भी इसने फोन उठाया ये करके पूछो भाई मर रहे हैं कि जी रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आवे तो आप फोन कर दो, ये करो वो करो। मोदी इसको ये बाहर तले लेकर टिकट देने लग रहे आप कांग्रेस वाले ने, अपना अपने कैंडिडेट क्यों तैयार करे, अपने नेता क्यों नहीं तैयार करे जी। मैं सर आपकी बात यहाँ पे नोट कर लिए। मैडम 5 मिनट दो मेरे को, मैं बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी, मैं वो परेशान हो रहा, मैं तो सोच रहा था किसी की कॉल आवा और उसको सारी परेशानी बताऊं। ये अपने कृष्णलाल पवार जी हैं, इनने क्या करे पार्टी के लिए, ये मंत्री बना दिए, फिर राज्यसभा सदस्य बना दिए, इनका नाम चल रहा अपना प्रदेश अध्यक्ष में, अपने नेता कहाँ गए, जो चार चार पांच पांच आदमी होया कर रहे हम हल्के के साथ, और वो ही आदमियों ने अपने खर्चे तले का दम ध्यान दिया, हमने कोई पूछता भी नहीं। मतलब यही है कि इलेक्शन के टाइम तो पुराने वर्कर है ना जो निष्ठावान थे, एक बात तो आप समझते होगे कितनी एज होगी आपकी। हाँ जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ जी। नहीं, एक 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 बंदा तो आपके साथ लगा है आपके बुरे टाइम में भी, और अच्छा टाइम आवा तो ना कांग्रेस ने लोक दलाले ने मिला कर तो आप काम करो फिर चले, उनकी हमने कोई पूछे नहीं रहा जी। छाती से पहले संजय भाटिया जिला परिषद के वो बने थे जी चेयरमैन ही पानीपत से, जब तक मेरी शादी भी नहीं हुई तब से पहले मैं इनके साथ जुड़ा है, कोई मतलब नहीं तो इन वो दिखा है इनके तड़वे चटना, इनका पानी मारा, इनके कुसामंद करा, पार्टी का काम जिन्ना करे उनकी कोई पूछ नहीं। कल न फिर टाइम बदलेगा 2047 नहीं मैडम, ये तो मोदी जी गया और पार्टी साफ हुई, ये 150 अक्टूबर को दे दी शीर्षा में, यहाँ रणजीत चौटाला ने क्या कर दिया जी पार्टी के लिए जी, कोई अपना कैंडिडेट है नहीं हमारे पास, हम क्यों करें इनके लिए काम। मनोहर लाल जी ये कह चंद्रयान का भेज दूंगा, गर्दन काट दूंगा, अब जो फला फला करो तो इतना काम काम पर कॉन्फिडेंस होता इनमें, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ा है किसी का, वोट तो अपने आप देवा है पब्लिक जी। मैडम आपकी बार तो हम शायद वोट भी ना देवा है, वोट मोदी जी का चेहरा याद करके तो देने का जिक्र है, मनोहर लाल जी को नहीं देने का जिक्र, ना कोई फोन ना कुछ सुनाई है नहीं किसी की, मतलब पुराने वर्कर तो इस्तीफा दे दिया जी उन्होंने, तो फिर इस्तीफा दे दिया किसने, कहा था इस्तीफा लेने का, अब क्या कहोगा, वो मैंने ये काम करे वो करे, ठीक था अपना चल जाता, और कोई कैंडिडेट नहीं था। सही बात है जी, नहीं छोटी छोटी बात पब्लिक में तो हम रहो वही को हम हरता है लोग जो विपक्ष वाले, कोई जो था पार्टी मनोहर लाल जी काम बढ़िया कर रहे होंगे, वो उन्हें क्यों बदलाया सरकार, और कोई थारे पास था नहीं के कोई कैंडिडेट। देखो जी ना तो हमारी वहाँ तक बहुत है, मोदी जी का हम जाकर मिल रहे डायरेक्ट, हम तो उनमें जाना, वो तो हमने जानते भी नहीं होंगे, हम तो जो करीब आपका फोन आ गया और किसी का आ गया कोई लोकल आ गया उन्हीं तो बता सका हम तो। हाँ जी, खराब है जी, जिसके पास जिसके पास वोटों की कहने जावे वो सब यही बात कहे, पिछली बार डलवाई वोट किसी का काम लेकर जावे ये सुनाई नहीं करते, और इनके जो पीए वगैरह लगे हुए हैं ऑफिसा में देखे वो अपने अपने मोदी जी तभी ऊपर समझे, कोई बंदा जावा गर्मी में उससे ये भी निकल भी पानी पिलाओ पहले, मतलब पार्टी का बट्ठा बिठा दिया, अब की बार 10 में था 5 सीट भी आया, 2 हरियाणा में था, गनीमत है। सही बात है, ये हाल है पार्टी का पानी हरियाणा में, और हमने तो देनी हमारे पास और कोई बटन दबता ही नहीं, फिर और किसी के आगे हम नहीं कहेंगे भाई उसकी वोट दे, जिम्मेदारी वोट सुनाई नहीं होती, अगर किसी बंदे को हम वोट के लिए कहें वो गेट डाल देगा हमारे कहे,
जी। फिर उसका कुछ काम आओगे, वो हमने तो कहूंगा भाई तब मेरे पास साथ चलो, मेरा ये काम है ये करवाओ, राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकते, क्या करो उस पार्टी का। सही बात है जी आपकी, ये बात आप नोट करते हैं। और ये जो ये बात यू कचरा यू जो कल तक तो वो अपना नवीन जिंदल था, कोयला चोर था बीजेपी मंदे, कोई नूर हो गया, अजीत पवार था महाराष्ट्र में, आज वो भी कोई नूर हो गया। अपने नेतर तो उसमें विचार कर रहे हैं, अपने लीडर कहाँ गए इनके, बस हम यही काम लगे रहेंगे, दरी बिछाओ और झंडे लगाओ और नारे लगाओ इनको, मतलब ये समझ नहीं आया। मारता तो बहुत बड़े बड़े समझदार है, कहनी नीचे ये बात, फिर भी वो है मैडम अपना अपना प्यार करो ना, कोई सेवा माँ बाप की करेंगे बच्चे यार, फिर माँ बाप बुढ़ापे में अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देगा जाएंगे तो दुख नहीं होगा के। कांग्रेसीकरण हो गया मैडम, 107 MP अपने कांग्रेस विपक्षी दल मत आए हुए बने थे, 303 मत है और उन मत स्वतंत्र कांग्रेस के हैं। कल हवा बदलेगी, कल कुछ गलत हो गया तो ये वापिस नहीं जाओगे, अपना कुछ करे नहीं रहे, कितने अच्छे अच्छे लीडर थे वो, मन्नू था ये आवे है भारत है, टिकट दे दे उनको, थोड़ा बहुत चंदा ज्यादा दे देंगे होंगे, अपने वर्कर की तो कदर ही नहीं। जी ठीक है जी, समय का थोड़ा अभाव है, मैं इतनी बात नहीं कर पाऊंगी सर, मैंने आपकी बात नोट कर ली है यहाँ पे, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी बात आगे जरूर रखी जाएगी और इस पे विचार किया जाएगा सर। धन्यवाद जानकारी के लिए, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।